स्वादिष्ट चिकन की बात की जाएगी तो मुगलई दस्तरखान का नाम सबसे ऊपर आएगा, मगर क्या आपने उनकी सबसे शानदार पेशकश जिसे चिकन चंगेजी कहा जाता है वो खाया है? चाहे आप चिकन खाते हो या नहीं, ये वीडियो देखने के बाद आपके मुंह में पानी तो क्या पानी की बरसात आ जाएगी। तो चलिए गाइस, आज हम आपको दिखाते हैं मुगलई चिकन चंगेजी कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मसालेदार मुर्ग को ले लिया गया जिसमें हल्दी नमक और मिर्च लगा के रखा गया, तो इसे काट काट के छोटे टुकड़ों में तैयार कर लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए भैया बिल्कुल कसाई की तरह इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं। दूसरी और हमारे तवे को करा जा रहा है गरम। यहाँ पे कम से कम 150 किलो का तवा ये रहता है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा, कम से कम 3 से 4 फीट का बड़ा तवा है ये। और इसमें अब जाएगा कनस्तर भर के तेल। यहाँ पे देखिए भैया ने पूरा कनस्तर भर रखा है तेल का, सारा का सारा तेल डलेगा एक बारी का चिकन चंगेजी बनाने में। और ये आ चुकी है हमारी 2 ड्रम भर भर के ग्रेवी जो इसमें डाली जाएगी। उससे पहले इसमें डलेगी थोड़ी सी अदरक लहसुन और उसे अच्छे से मिलाया जाएगा, घोटा जाएगा, और ये जितनी आप ग्रेवी देख रहे हो सारी की सारी डल जाएगी हमारी चिकन चंगेजी में। अगर आपको देखना है ग्रेवी कैसे बनाई जाती है तो आप मेरे को जरूर बताइएगा, मैं इसकी भी वीडियो आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। और यहाँ पे देखिए अब चारों ओर पराठे रखी हुई है ताकि कुछ भी गिरे ना। अब धीरे धीरे करके दूसरे कनस्तर को भी खाली करा जा रहा है, ग्रेवी डाली जा रही है हमारे तवे के ऊपर। भाई अगर तवे पे चिकन चंगेजी ना बने तो वो चिकन चंगेजी क्या कहलाएगा। और अब आराम से इसमें भर भर के डाली जाएगी क्रीम। भाई क्रीम और चिकन का मेन स्वाद होता है चिकन चंगेजी में, यही वो मुगलों की खास बात है कि वो इसमें हर चीज बड़े मसालेदार डालते थे। और ये आ गया हमारा गरम मसाला और ये आ गया नमक। आप देखिए भर भर के इसमें गरम मसाला और नमक पड़ेगा तभी वो जो स्वाद है चिकन चंगेजी का बिल्कुल चटक स्वाद वो आता है। और ये आ गया इनका स्पेशल मुगलई मसाला। मुगलई मसाले में सारे मसाले ब्लेंड करके रख लेते हैं और वही रहता है इनका मुगलई मसाला। आप देखिए चारों ओर से तेल जो है वो नीचे बह बह के आ रहा है और हमारी ग्रेवी बिल्कुल बढ़िया तरीके से पकनी स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल हाई गैस में इसे पकाया जाएगा, मिक्स करा जाएगा बढ़िया तरीके से। और जैसे ही अच्छे से पक जाएगी इसमें डाली जाएगी हमारे चिकन को। भाई यहाँ पे देखिए अच्छे से ग्रेवी पक चुकी है तो अब बारी आती है चिकन ऐड करने की। एक एक करके सारी की सारी प्लेटों में चिकन को भर भर के डाला जाएगा धीरे धीरे करके ताकि जो ग्रेवी है वो उछल के ना गिरे और सारा का सारा चिकन इसमें डल सके। तो यहाँ पे करीब करीब 100 किलो चिकन जाता है 500 किलो की ग्रेवी में। और जब इसमें सिर्फ ग्रेवी बच जाती है बार बार इसमें चिकन ऐड करके इसे अच्छे से पकाता रह जाता है पूरे दिन। दिन से बनना शुरू होता है रात तक हमारा यही प्रोसेस चलता रहता है। आप देखिए भर भर के इसमें चिकन ऐड करा जा रहा है, चारों ओर से इसे चलाते रह जाएगा। कोई बड़े से चलाने वाले का इस्तेमाल नहीं करा जाता, वही छोटे हैं। और इनमें थोड़ी सी हमारे ऊपर से तरी डाल दी जाएगी। अब देखिए कितना बढ़िया लग रहा है चिकन चंगेजी, अभी से मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। मगर आप सोचो कि ये बहुत, अब जो नीचे सारी ग्रेवी खट्टी हुई थी वो भी इसके ऊपर डाल दिया जाएगा। भाई बिल्कुल हेल्दी और बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पे बनाया जाएगा चिकन चंगेजी। लग रहा है ना बिल्कुल शानदार, जानदार शानदार चिकन चंगेजी। भाई यहाँ पे देखिए 3-3 लोग मिलके इतने बड़े तवे को चला रहे हैं तभी ये बनता है इतना जानदार। और अब इसके ऊपर दोबारा से गरम मसाला डाला जाएगा भर भर के। बिल्कुल मसालेदार ये चिकन बनाया जाता है, इतना स्वादिष्ट लगता है खाने में कि मैं आपको क्या ही बताऊं। भाई इसके ऊपर गरम मसाला डल चुका है, हमारा चिकन अच्छे से पक चुका है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से इन्हें अपने चारों ओर तेल छोड़ दिया है। अब इसमें बारी आएगी धनिया डालने की। धनिया डालने से पहले इसे हर तरफ से मिलाया जाएगा, जितनी भी ग्रेवी उसे अंदर करा जाएगा। और जो भी हमारा तरी निकल के गिर गई थी उसे दोबारा से इसके ऊपर डाल के इसे अच्छे से पकाया जाएगा। और अब बारी आ गई हमारे धनिये की बरसात की। तो यहाँ पे भैया ने अच्छे से धनिये की बरसात कर दी है, अब इसे मिलाया जाएगा अच्छे से पकाया जाएगा। यहाँ कॉस्ट रहती है 240 रुपए, आधा किलो की 440 और 1 किलो की 840। तो आप जरूर ट्राई करिएगा, मेरे को बहुत पसंद है यहाँ का चिकन चंगेजी। अगर आपको ट्राई करना है आपको आना करोल बाग चिकन चंगेजी वालों के यहाँ। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।